नमस्कार दोस्तों दोस्तों स्वागत है आपका सुपर टाइल्स मार्बल एंड ग्रेनाइट में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा पूरा मकान होता है वो दिखाऊंगा और साथ ही में ये बताऊंगा कि जब मार्बल या टाइल्स फिटिंग होने से पहले किस तरह का होता है मकान और उसमें क्या क्या पहले करना पड़ता है। जब भी फ्लोरिंग लगानी होती है उससे पहले क्या क्या करना पड़ता है और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाता है वो बताऊंगा। और साथ ही में मैं आपको दिखाऊंगा इस मकान के अंदर किस तरह से यहाँ पर बेडरूम की डिजाइन वगैरह बनाई गई है और मार्बल जो लगेगा वो मार्बल किस तरह का होगा और साथ ही में बताऊंगा बाथरूम किस तरह का होगा और किस तरह से यहाँ पर प्लम्बिंग की जो पाइप फिटिंग है वो की जाती है पहले और फुल इंफॉर्मेशन दूंगा कि क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है मार्बल या टाइल्स लगाने से पहले और कौन कौन सी बातें हैं वो हमें पता होनी चाहिए। अगर टाइल्स लगाने वाले हैं और मार्बल लगाने वाले हैं उनको क्या क्या नॉलेज होना चाहिए मार्बल लगाने से पहले। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप लाइक करें। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है यहाँ का पार्किंग। पार्किंग यानी जो मकान के बाहर जो खुली जगह होती है वो है यहाँ पर। तो इन्होंने क्या किया है यहाँ पर अभी सिर्फ पत्थर डाल के रखे हैं। अभी ऐसे पत्थर डाल के रखे हैं तो अभी इसका कोई लेवल नहीं है। अभी इसका कोई लेवल नहीं है और तो क्या करना पड़ेगा इसके ऊपर। तो सबसे पहले इसके ऊपर लेवल निकाल के फिर इन्हों को RCC का वो करवाना पड़ेगा या एक कच्चा प्लास्टर करवाना पड़ेगा उसके ऊपर मार्बल लगेगा, ना कि सीधा इसके ऊपर मसाला बना के फिर मार्बल लगेगा इसके ऊपर। तो सबसे पहले ये करना पड़ता है। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो आपको सुनाई दिख रही है ईंटों की सुनाई, तो इसको सब पहले प्लास्टर करना पड़ेगा फिर उसके बाद में ये मार्बल लगेगा। तो ये बातें ध्यान में रखनी होती हैं। और अभी इसका भी अभी प्लास्टर बाकी है आप देख सकते हैं। तो ये पहले करना पड़ेगा, शायद आपको पता है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। कई कॉन्ट्रैक्टर और कई मिस्त्री ऐसे होते हैं जो अपना काम जल्दबाजी में करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ये टब है, ये जो मुर्गा, इसको मुर्गा बोलते हैं, टब भी बोलते हैं, सभी जगह इसका जो नाम है वो अलग अलग होता है। तो ये जो मुर्गा है ये बहुत ही नीचे बिठाया हुआ, हल्का सा, बहुत ही नहीं लेकिन हल्का सा नीचे बिठाया हुआ है। तो और वो है वो RCC वो थोड़ी ऊपर है। तो क्या करना पड़ेगा अभी उसको तोड़ के अब पहले सीधा करना पड़ेगा फिर उसके बाद में लगेगी टाइल्स। तो ये सब तोड़ के फिर टाइल्स लगेगी। और टाइल्स लगाने से पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो आप देख रहे हैं ये वाली जो घिसी, इसको प्लास्टर करना पड़ेगा, ना कि सीधा इसके ऊपर टाइल्स लगेगी। और ये जो बाकी रह गया है ये वहाँ पर तार मारी है और यहाँ पर नहीं मारी है, तो इसको ग्राइंडर से खांसे मारने पड़ेंगे तब जाकर ये कंप्लीट टाइल्स से वो फिटिंग होगी। तो ये ध्यान में रखना पड़ता है। और ये जो है दीवार है, ये मेन दीवार है, यहाँ पर लगेगा दरवाज़ा। तो जहाँ पर ये दरवाज़ा लगेगा वो एकदम ओलंबे में होना चाहिए, दीवार है वो ओलंबे में होनी चाहिए। और इसके जो बाथरूम की जो फ्लोरिंग है उसमें आएगी टाइल्स आएगी, वो सिरेमिक नहीं बल्कि विट्रीफाइड टाइल्स आएगी। और सिरेमिक लगवाने के जो मकान मालिक बोल रहे हैं तो इसमें सिरेमिक भी लग जाएगी, लेकिन मेरे हिसाब से बात करूँगा तो ये वाली टाइल्स है वो मजबूत टाइल्स होनी चाहिए, सिरेमिक टाइल्स नहीं होनी चाहिए। फ्लोरिंग के अंदर कभी भी सिरेमिक टाइल्स नहीं लगानी चाहिए, बाथरूम हो चाहे बेडरूम हो। और यहाँ पर लगेगी वो सिरेमिक टाइल्स, सिरेमिक टाइल्स यानी जो पतली हल्की सी आती है और उसको पानी में डाल देते हैं वो, उसको बोलते हैं सिरेमिक टाइल्स। और सबसे पहले इसके अंदर पानी छाटना पड़ेगा, पानी छाटने के बाद टाइल्स भिगोनी पड़ेगी 10 से 12 घंटे, फिर उसके बाद में लगेगी टाइल्स। तो सेम टू सेम वो चीज़ इसी में होगी। और फ्लोरिंग के अंदर आप चाहे तो मार्बल भी लगा सकते हैं या विट्रीफाइड टाइल्स जो मेड टाइल्स आती है वो आप लगवा सकते हैं। और ये जो है बाथरूम का जो उमरा यानी जो दरवाजे के नीचे का जो भाग रहता है उसको उमरा बोला जाता है, वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ग्रेनाइट भी आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर मार्बल लगाने से पहले, टाइल्स लगाने से पहले एक बार कच्चा प्लास्टर करना पड़ेगा।
और ये है सीढ़ी। सीढ़ी में तो इतनी कोई ज़्यादा अंदर क्या करना पड़ता है, सीधा कटिंग करके फिर इसको बिठाना होता है। और अगर आप डबल में करना चाहते हैं तो थोड़ा इसका माप है वो अलग आएगा। और राइजर में आपको लेना है जो ग्रेनाइट, आप लगवाना चाहे तो ग्रेनाइट भी लगवा सकते हैं और टाइल्स चाहे तो टाइल्स भी लगवा सकते हैं। तो मार्बल के अंदर अगर आप लगवाओगे ऊपर का जो ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा है ये आप मार्बल में लगाओगे, और सामने का जो ये वाला हिस्सा है ये अगर आप टाइल्स में लगाओगे तो बहुत ही अच्छा दिखेगा। लेकिन टाइल्स का जो पीस है वो एक ही होना चाहिए, ना कि डबल। डबल के अंदर ही क्या होता है, जॉइंट दिखता है, बेकार दिखता है। और ऊपर का सेम टू सेम एक ही होना चाहिए, यानी सेम टू सेम यानी पूरा जो पार्ट है वो भाग है वो पूरा एक ही होना चाहिए, और सामने का भी एक ही होना चाहिए। ऊपर आप चाहे तो ये मेट के अंदर ग्रेनाइट या मार्बल लगवा सकते हैं, और सामने की तरफ आप टाइल्स लगवा सकते हैं, तो थोड़ा लुक इसका बहुत ही अच्छा आएगा। और ये है किचन, ये है किचन। तो किचन के अंदर तो सब काम कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर भी टाइल्स लगेगी। तो टाइल्स लगवाने से पहले ये यहाँ पर जो तार मारी गई है एसी के सी, यहाँ पर भी मारनी पड़ेगी। और ये वाली टाइल्स है ये सिरामिक, और ये वाली टाइल्स है ये भी सिरामिक, और ये वाली टाइल्स है ये पार्किंग टाइल्स है। पार्किंग टाइल्स आपको मैं दिखा देता हूँ, ये साइड में पार्किंग टाइल्स। इसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा आती है, मोटी आती है। ये वाली टाइल्स आपको लगवानी चाहिए जहाँ पर आपको लगे कि ये जगह है ये काफ़ी वजन रहने वाला इस जगह पर, तो वहाँ पर आपको ये वाली टाइल्स लगवानी चाहिए। और ये वाली टाइल्स है ये बाथरूम में और एलिवेशन में और किचन के अंदर लगवानी चाहिए। तो किचन की टाइल्स है वो नीचे से लेके ऊपर तक आएगी पूरे में 9 से 10 फीट तक। तो ये है सीढ़ी, अभी इसका प्लास्टर होना अभी बाकी है। और ये वाली टाइल्स से जो मैंने आपको बताई, और ये है किचन, और अभी मैं इसकी अंदर की डिजाइन बताऊंगा। और ये है बाथरूम की डिजाइन वगैरह, और यहाँ से लेके इसकी जो जगह है एक कोने से लेके एक कोने तक वो है 5 फीट की। और यहाँ पर वो आएगा खड़ा मुर्गा आएगा, और यहाँ पर आएगा गीजर, और साइड में है बीसों बीच है वो खिड़की है छोटी सी एक वेंटिलेटर वाली खिड़की। और अब यहाँ पर प्लास्टर हो चुका है वह, और यहाँ पर बाकी, और पूरे के अंदर आएगा टाइल्स से वो आएगी पूरे के अंदर। और ये है बेडरूम, यहाँ पर भी टाइल्स लगेगी बाथरूम के ऊपर के हिस्से में। और ये है बेडरूम जो कि 10x11 का है, और ये वाला है 14x10 का। पूरे के अंदर मार्बल लगेगा, और यहाँ पर पूरे में कपाट आएगा मार्बल का, उसकी भी मैं आपको डिजाइन बताऊंगा। तो इस तरह की आएगी उसकी डिजाइन जो यहाँ पर आएगा मार्बल का जो कपाट। ये किचन वाला रूम है, और पहले बताया वो बेडरूम के साइड में था वो रूम था, उसकी साइज थी 10x14 और एक की थी 11x10 की। और किचन यहाँ पर आएगा, किचन की जो साइज होगी वो होगी 7 फीट इस तरफ और 7 फीट उस तरफ। और ये वाला मार्बल है ये पूरे मकान के अंदर लगने वाला है। लगने के बाद ही मैं इसकी एक वीडियो अच्छे से बना के डाल दूँगा, आप देख सकते हो। एक जो ये मार्बल की थप्पी है, पूरे जो स्लैब हैं वो कुल मिलाकर 73 है, पूरे एक ही ब्लॉक है, एक ब्लॉक के अंदर 73 पीस आए हैं। और इसकी लेंथ की बात करें तो 89 इंच, 27 इंच की इसकी जो लंबाई चौड़ाई है। और एक जो स्लैब है ये करीबन 17 फीट का होता है, तो आप देख सकते हैं इसकी डिजाइन कुछ इस तरह की है। और मकान की भी डिजाइन आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको मकान की भी डिजाइन दिखाऊंगा। तो इस तरह की है इनकी मकान की डिजाइन, बहुत ही आलीशान मकान बनाया है। कलर होने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। और मार्बल जो है वो बहुत ही अच्छा मार्बल है। मार्बल अगर आप भी लगवाना चाहेंगे, अगर चाहते हैं तो आप ऐसा ही मार्बल लगाएं, जो बड़े स्लैब होते हैं वो बहुत ही अच्छे आते हैं। और टाइल्स लगवाने वाले हैं तो थोड़ा बहुत इस केमिकल का भी आप यूज कर सकते हैं। और साथ ही में आप ऊपर देख सकते हैं पट्टे वगैरह है वो, और डिजाइन वगैरह है फूल वाले,
वो भी आप देख सकते हैं। और मकान का जो आइडिया है वो आपको मिल गया होगा, मकान किस तरह से बनाया जाता है और कैसे इसकी जो डिज़ाइन होती है वो आपको बनवानी है, और टाइल्स, मार्बल एंड ग्रेनाइट और मकान की डिज़ाइन आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये इसकी जो मकान की डिज़ाइन और इसका जो मार्बल का काम अगर पूरा होगा तो उसके बाद में मैं एक और वीडियो भी डालूँगा, तो उस वीडियो को देखकर आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसा लगा है मार्बल। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप लाइक करें। धन्यवाद।